हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा लूट और डकैती में अंतर। धारा 390 में लूट को परिभाषित किया गया है, जबकि डकैती को परिभाषित धारा 391 में किया गया है। धारा 390 में देखते हैं, सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है। तो उद्दापन क्या होता है? जैसे का ये धमकी देता है कि यदि या ने उसको धन नहीं दिया तो वह या के बारे में मान हानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार या को उत्प्रेरित करता है। तो का ने उद्दापन किया है। चोरी कब लूट हो जाती है? चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्रात संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा से यानी जानबूझकर किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट पहुंचाने या सदोष अवरोध यानी कि जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने या तत्काल मृत्यु या तत्काल चोट पहुंचाने का काम करता है या प्रयास करता है तो ये लूट होती है। और धारा 391 में डकैती, जबकि पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर यानी मिलकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, या जहाँ की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसी लूट के किए जाने में या ऐसा प्रयत्न करने में मदद करते हैं, कुल मिलाकर पांच या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है उसमें या मदद करता है, कहा जाता है कि वो डकैती करता है। तो डकैती की आवश्यक तत्व क्या है? डकैती की आवश्यक तत्व हैं लूट करने के लिए प्रयास करते हुए पांच व्यक्ति का होना या लूट करने के लिए पांच व्यक्ति का एक दूसरे का मदद करना या लूट करता हुआ एक व्यक्ति और चार व्यक्ति उपस्थिति में उसको कारित करने में सहायता करना, लूट का प्रयास करता हुआ एक व्यक्ति चार व्यक्ति उपस्थिति में प्रयास में सहायता करना। धारा 392 में लूट के लिए दंड है। इनमें दोनों में अंतर देख लेते हैं। लूट को धारा 390 में परिभाषित किया गया है, जबकि डकैती को धारा 391 में परिभाषित किया गया है। लूट में अभियुक्तों की संख्या 5 से कम होती है, जबकि डकैती में अभियुक्तों की संख्या कम से कम 5 होना आवश्यक होता है। लूट का मामला डकैती का हो यह आवश्यक नहीं है, अर्थात प्रत्येक लूट डकैती नहीं हो सकती है और डकैती का प्रत्येक मामला प्रथम दृष्टया लूट का होता है। लूट में बल प्रयोग कम आवश्यक होता है, जबकि डकैती में बल प्रयोग एक आवश्यक तत्व होता है। लूट के लिए 10 वर्ष तक के कठोर कारावास या जुर्माने के लिए दंड का प्रावधान है, जबकि डकैती के लिए 10 वर्ष की अवधि या कठोर या जुर्माने का आजीवन कारावास के लिए दंड का प्रावधान है। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, जिससे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको पहले से